Hello students, let's solve few important illustrations covering almost all the concepts of your evaluation of good. Practical comprehensive questions solve karte hain taki aap logo ko concept samajhne mein aasani ho. Here is the very first question which is drafted in the practical section of evaluation of good, which says the net profit of a business after providing for taxation, matlab tax dene ke baad, for the past 5 years are rupees 40,000, 42,500, 46,000, 52,500 and 59,000. This is the question bachcho jahan pe ready made profit apne paas available hai, but these are the different profits for last 5 different years. The capital employed in the business is rupees 4 lakhs, 4 lakh rupees ka capital employed hai. Jabhi bhi bachcho capital employed aapke question mein diya rahega, tabhi directly diya hua capital aapko use karna hai. और उसी को आपको अज्यूम करना है एवरेज कैपिटल, ठीक है? लेकिन जब ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा तभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सर कैसे कैलकुलेट किया जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है? और जैसे ही आपके पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उसमें से जब आप लोग माइनस करते हो हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, क्या बोला मैंने, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट जब आप लोग माइनस करोगे तब जाके आपको मिल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. बट व्हेन नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली जो दिया है वही यूज करना है और इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर दिया हुआ है. The normal rate of return NRR expected in this type of business is 10%. मैंने बोला था कि ये NRR question में दिया रहेगा. अगर ये नहीं दिया होता तो दो तरीके से calculate किया जाता है. Dividend yield approach से, DPS upon NPS into 100. Earning yield approach से भी compute कर सकते हो, जिसका formula है EPS upon NPS into 100. It is expected that the company will be able to maintain its super profit for the next 5 years. 5 साल तक आप लोगों को ये profit use करने के लिए, मेंटेन करने के लिए दिया गया है. मतलब 5 years can be called as number of years of purchase. जब तक मेंटेन कर सकते हो, that is number of year of purchase. Calculate the value of goodwill on the basis of total 3 methods we have to use. पहला मेथड बोला है 5 years purchase of super profit. तो super profit से हम लोग ये सॉल्व करेंगे. सेकेंड मेथड बोला है एनुइटी. एनुइटी में बोला है एनुइटी फैक्टर 10% पे आपको 3.78 लेना है. एनुइटी इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 3 डिफरेंट मेथड्स दिए हैं. देखो अल्टीमेटली बच्चों इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कवर हो जाएगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के वक्त कंप्यूट करना ही पड़ता है. सो ओनली फ्यूचर चेंजेस एंड आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. बाकी सब कुछ आपके पास दिया हुआ है. ऐसा हर एक क्वेश्चन लाइक पॉइंट नंबर 1, 2, 3 आप लोग एक एक मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सर इसमें कौन सा एवरेज लेने का, जब एवरेज मेंशन नहीं किया रहेगा, व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरेज इज गिवन, ऑलवेज गो फॉर वेटेड एवरेज मेथड. लेट मी रिपीट दिस लाइन, व्हेन एवरेज इज नॉट मेंशन, सिंपल और वेटेड, इसका दोनों में से किसी का नाम मेंशन नहीं किया रहेगा तो हमेशा मोर एप्रोप्रिएट मेथड जो होता है उसे बोला जाता है वेटेड एवरेज मेथड. तो चलो ये सब सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग आर फॉर्मूलास. सिस्टमैटिकली आपको सारे फॉर्मूलास लिखते जाना है. स्टेप नंबर 1, एज वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहां पे पॉइंट नंबर 1 में लिख दिया मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड. फाइन, हेडिंग लिखने के पीछे एक ही रीजन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर. सारे फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, वी हैड ऑलरेडी डिस्कशन ऑन द सेम. लेट्स पुट द फॉर्मूला फॉर गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. इफ यू वांट टू कैलकुलेट गुडविल अंडर दिस पर्टिकुलर मेथड, योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हो आप लोग नंबर ऑफ ईयर परचेस. अब इन दोनों में से पहली चीज, सुपर प्रॉफिट अपने पास अवेलेबल नहीं है लेकिन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज अवेलेबल एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में मिल जाएगा. इट इज अ 5 ईयर परचेज, क्लियरली बोला है, देखो वो मैंने लिख दिया.
अभी मेरा ड्यूटी है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कुछ लाइंस छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, योर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट फॉर द कंपनी, और इस एवरेज प्रॉफिट में से आपको माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अभी वहां कहानी में ट्विस्ट ये है कि अपने पास ना ही एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल है ना ही नॉर्मल प्रॉफिट अवेलेबल है, हमें दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन आई एम लीविंग टू लाइंस, दो लाइंस मैंने छोड़ दिए और ये दो लाइन छोड़ के मैं आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट बच्चों जब भी कैलकुलेट करोगे आपको मेथड मेंशन करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ आई एम यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, एज नेम ऑफ मेथड इज नॉट मेंशन सर। What if we use simple average? वो secondary method है। जब भी बोला रहेगा simple average use करना, कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो weighted average से sum solve करना। Weighted average से जब sum solve करोगे, तभी weighted average के लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए profit। तो पहले तो मैं profits लिख देता हूँ। Question में profits are available 40,000 is for first year। Like मैंने लिख दिया years 1, 2, 3, 4 I'm recording here profits, vertically लिख रहा हूँ, horizontally भी presentation करोगे कोई दिक्कत नहीं है। Amount of profit is 40,000, 40 to 500. Next year's profit is 46,000, then 50 to 500. And fifth year का profit as per the given information is 59,000, nothing is to be there for the purpose of adjustment. जैसे ही प्रॉफिट्स आप लोग रिकॉर्ड करोगे, इन प्रॉफिट्स को आपको असाइन करने हैं वेट्स। सर वेट्स कैसे असाइन करेंगे? सबसे ओल्ड प्रॉफिट जो रहेगा ना, सबसे पहला वाला प्रॉफिट, तो सबसे पहले वाले प्रॉफिट का सबसे कम वेट रहेगा, देन ग्रेजुअली ये वेट बढ़ता जाएगा एंड लेटेस्ट प्रॉफिट विल कैरी द हाईएस्ट वेट। मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट, सर इसमें से करंट ईयर कौन सा? 59,000 इज द लेटेस्ट ईयर, करंट ईयर उसको हाईएस्ट वेट देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेट्स कंप्यूट वेटेड एवरेज प्रॉफिट हियर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू द आंसर। इट इज 40,000, 85,000, 1,38,000, यूज योर कैलसी, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स, जो मैं लिख रहा हूँ वही मिलेंगे, 2,10,000 एंड 2,95,000 टोटल, दैट इज समेशन। इन सबका समेशन करना है आप लोगों को, कैलसी का इस्तेमाल करो, 2,95,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,38,000 प्लस 85,000 एंड प्लस 40,000 इज इक्वल टू 7,68,000। Once this total is available with you na, immediately आप लोग आगे का step कर सकते हो। 7,68,000 is not weighted average profit। ये जो है, ये incomplete calculation है, इसको complete करना है। Sir, तुमने तो बोला यही weighted average profit है। बच्चों याद करो, कुछ तो करना बाकी है। इसे आपको divide करना पड़ेगा total weight से। Therefore, your weighted average profit is equal to 7,68,000, that is total profit, और इस total profit को हम लोग divide करेंगे weight के total से। total weight है आप लोगों का 15, सर कहाँ से आया? ये weight का total कर दिया, total आया 15, ये दोनों का division जब करोगे तभी आप लोगों को weighted average मिल जाएगा, divided by 15 is 51,200 only, understood? ये 51,200 का जो प्रॉफिट मेरे पास दिख रहा है बच्चों, ये आया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैं लेके चलता हूँ मेरे फॉर्मूला में, एवरेज प्रॉफिट के सामने लिख दिया मैंने 52,500 कंप्यूटेड प्रॉफिट फिगर, बराबर ना? इस 51,200 इसमें से माइनस करने के लिए और एक प्रॉफिट चाहिए, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। लेट्स compute normal profit, our normal profit ka formula, hope you remember, it is equal to your average capital employed, yaad karo maine kya bola tha,
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है तो योर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट इज द फॉर्मूला। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एनआरआर से। एज पर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख, चेक कर लो 4 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% का इनका एनआरआर। मतलब नॉर्मली इंडस्ट्री की कंपनी 40,000 रुपीज कमाती है एंड आवर कंपनी इज अर्निंग समथिंग मोर एंड दैट समथिंग मोर इज सुपर प्रॉफिट फॉर अस। सो 40,000 इसमें से माइनस करोगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 11,200। 11,200 का सुपर प्रॉफिट कंपनी बोलती है कि 5 साल तक मेंटेन हो सकता है। इसका मतलब इस कंपनी का गुडविल का जो वैल्यू है वो है 56,000 एज पर योर सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड व्हिच वी यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। जैसे ही पहला मेथड यूज होता है दूसरा बोला है एनुइटी मेथड। पॉइंट नंबर 2 में हेडिंग लिख देता हूं मैं एनुइटी मेथड। एनुइटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला भूल गए रहोगे ना। एनुइटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट और इस सुपर प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है एनुइटी वैल्यू से, दैट इज एनुइटी फैक्टर व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट हमने कंप्यूट किया है, सुपर प्रॉफिट था अपना 11,200, इसका एनुइटी क्वेश्चन में लेने के लिए बोला है 3.78। So it's 11,200 into 3.78 करो बच्चों 42,336 अमाउंट का आपका गुडविल आ जाएगा अंडर एनुइटी मेथड। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज आस्क। सो पॉइंट नंबर 3 में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हेडिंग लिखा अंडर दिस मेथड योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। यू रिमेंबर सुपर प्रॉफिट 11,200 उसे डिवाइड करेंगे 10% से। सो 11,200 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 1,12,000। बच्चों पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाय यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स वी हैव कंप्यूटेड गुडविल। This is how goodwill based sum can be asked in your multiple choice question. आपको information दिया रहेगा, आपको एक-एक चीज calculate करने के लिए बोलेंगे। So please practice maximum multiple choice question based on valuation of goodwill. इसके बाद हम लोग solve करते हैं एक sum जिसमें हम cover करेंगे valuation of share के all 3 methods. Hope guys you have understood everything perfectly. Let's start with the next sum. Let's solve valuation of shares question, which is again basic question covering almost all the concepts. इसमें तीनों methods से calculation करना है. Please focus on this question. The solution. इसमें सारे concept clear हो जाएं. Balance sheet of Diamond Limited on 30th June 2020 is available with us. यहाँ पे share capital is the heading. उसके सामने amount नहीं दिखेगा क्योंकि पागल वो heading है. उसके नीचे breakup है ना उसका. 2000 shares है 100 rupees के. So book value or you can say face value is 100 rupees. Nothing is partly paid up, fully paid up shares hai apne paas 2 lakhs rupees. General reserve is your reserve and surplus. Profit and loss account is reserve and surplus. Sundry creditor and income tax provision is both are the current liabilities. Jisko aap log bol sakte ho outsiders liability. Ye equity shareholder ka nahi hai. Ye outsiders ko dena hai. So these are the liabilities. Asset side, land and building, plant and machinery, patent and trademark, these all are the fixed assets, long term. Stock, data, bank balance are the current assets, whereas preliminary expenses, the miscellaneous expenditure, jo diya hua hai. So simply, book values are available with us, which may use capital employed calculate karne ke liye. The export value or valued the land and buildings at rupees 2,40,000. Export aaya, usne bola land and building jo hai, iska value jo hai, 1,10,000 नहीं रहेगा 2,40,000 रहेगा एज पर करंट वैल्यूएशन। मतलब 1,10,000 में आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा 1,30,000 तब जाके आपका 240 आएगा। सो एप्रिसिएशन इज गिवन बाय द एक्सपर्ट। सेम वे एक्सपर्ट ने बोला गुडविल जो है वो 1,60,000 है। तो बैलेंस शीट में पहले देखो गुडविल है क्या। There is no existing goodwill given. मतलब 1,60,000 is a totally new goodwill which needs to be incorporated while calculating net asset for equity shareholders. आगे
अगर गुडविल दिया नहीं होता तो कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन भी पूछा जाता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। प्लांट एंड मशीनरी एट रुपीज 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इसने किया 1,20,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 से आपका रिडक्शन हुआ है वैल्यू का, सो रिवैल्यूएशन इज टू बी मेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। Out of the total debtor, it is found that debtors of rupees 8,000 are bad. मतलब debtor में से 8,000 रुपए आपका bad है, उसे minus करना पड़ेगा, revised value of debtor हो जाएगा 80,000. Company के profits दिए हैं 2016 is the old year, 17-18 is the latest year, 3 साल के profit दिए हमें, average calculate करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों average का method mention नहीं किया, we should go for your weighted average method. The company follows the practice of transferring 25% profit to general reserve, मतलब जितना भी profit available रहेगा उसमें से transfer to reserve होने वाला है at a rate of 25%. ये profit available for equity shareholders calculate करते वक्त हमें minus करना पड़ेगा. Similar type of companies earn 10% of the value of their shares, मतलब ये है आप लोगों का NRR. NRR का मतलब होता है normal rate of return. Similar type of company जो है वो इतना 10% कमाती है. Ascertain the value of shares of the company under intrinsic value, yield value and fair value. तीनों method से solve करना. Ignore taxation, tax consider नहीं करना है, but एक important यहाँ पे heading दिया है, note दिया है. Assume that depreciation on land and building charged at 10% and plant at 15%. आपने already profit calculation करने से पहले depreciation charge कर दिया है, लेकिन asset में variation हो रहा है, asset का value change हो रहा है, इसीलिए आपको depreciation adjust करना पड़ेगा. मतलब क्या, आप लोगों ने अगर बात करोगे land and building की, तो land and building पे जो depreciation charge किया था वो सिर्फ 1,10,000 पे था, मतलब आपको additionally depreciation charge करना पड़ेगा और 1,30,000 पे, because value appreciation हुआ है, बराबर है? Same way plant and machinery पे आप लोगों ने 1,30,000 का depreciation charge किया था, मतलब 1,30,000 के value पे depreciation charge किया था, लेकिन अभी का तो value 120 है, तो आपको depreciation adjust करना पड़ेगा, जो 10,000 से value reduce हुआ है उसके वजह से. अभी इनका डेप्रिसिएशन कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन सिस्टमैटिकली, देखते रहो, कहानी में बहुत ज्यादा मिस्ट आने के चांसेस है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, इफ यू आर कैलकुलेटिंग शेयर बाय यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, आपके पास फॉर्मूला होना जरूरी है. इंट्रिंसिक वैल्यू में वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, होप यू रिमेंबर, और वैल्यू पर शेयर भी बोल सकते हो इसे. इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सही है. अभी नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में से अपने पास एक चीज अवेलेबल है, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दे आर 2000. सर कैसे पता चला, मैंने बैलेंस शीट एनालाइज किया था, तभी शुरू में लिखा हुआ है 2000 शेयर्स आर देयर, तो 2000 मैंने लिख दिया नंबर ऑफ शेयर. हमें सिंपली एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सर किस चीज का कैलकुलेशन, न्यूमरेटर का कैलकुलेशन. वी आर कैलकुलेटिंग नेट एसेट फर्स्ट. नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने थियरी में पढ़ा था एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं. ये कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए उसे बोला जाता है आप लोगों का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय एज पर गुडविल. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, हमें कंप्यूट करना पड़ेगा. इसमें हम लोग ऐड करेंगे गुडविल का वैल्यू, चेक करते हैं क्वेश्चन में कहीं पे गुडविल का वैल्यू दिया है क्या. यस, एक्सपर्ट ने गुडविल का वैल्यूएशन करके आपको बोला है कि गुडविल कितना होगा, 1,60,000 होगा, तो दैट वैल्यू आई एम रिकॉर्डिंग हियर 1,60,000. इसमें ऐड किया जाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सेम फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ, नॉन
रही है इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा कहीं पे भी नहीं था, सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जगह पे कर दिया डैश, और इसमें से लेस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा बैलेंस शीट चेक करोगे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इट इज ऑल्सो डैश। तो जब तक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आता हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इनका टोटल आपको देगा नेट एसेट का वैल्यू, सो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वर्किंग नोट इज ऑल्सो पेंडिंग। सर ये कैसे कंप्लीट करेंगे, चलो कंप्लीट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो लेट्स गिव हेडिंग हियर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड है क्लोजिंग एज पर गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको करना है बच्चों तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए रिकॉर्ड करो सारे के सारे एसेट्स, लेकिन एसेट्स का आपको रिकॉर्ड करना है रिवाइज्ड वैल्यू। सर रिवाइज्ड वैल्यू मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द नेसेसरी चेंजेस। अपने बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट्स थे, मेरे बैलेंस शीट में सबसे पहला एसेट था लैंड एंड बिल्डिंग, सो लेट्स पुट दैट वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग रिवाइज्ड वैल्यू इज 2,40,000। प्लांट एंड बिल्डिंग के बाद है मेरा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा उसका वैल्यू है 1,20,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट आइटम इज पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, सो यहाँ पे लिखा पी एंड टी, इसका रिवाइज वैल्यू नहीं है तो सेम वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 20,000। सो ऑलवेज रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू फर्स्ट, व्हेन रिवाइज वैल्यू इज नॉट अवेलेबल विद अस वी हैव टू कंसीडर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। उसके बाद रिकॉर्ड करना है स्टॉक, स्टॉक इज 48,000। स्टॉक के बाद बैलेंस शीट में दिख रहा है मुझे डेटर, डेटर का 8,000 का बैड डेट हटा के रिवाइज वैल्यू हो जाएगा 80,000। वो आपको समझ में आ रहा है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस रिवाइज वैल्यूज बाय डिस्कसिंग दिस सम एक्सेल। इसके बाद है बैंक बैलेंस 52,000, तो यहाँ पे लिखा मैंने बैंक, बैंक इज अमाउंटेड टू रुपीज 52,000। सारे के सारे एसेट्स मेरे पास आ गए। सर प्रिलिमिनरी बचा वो एसेट नहीं है बच्चों, वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एसेट में वो कभी नहीं आएगा। इन सबको ऐड करो, ऐड करते जाओ आपके कैलसी पे आएगा 5,60,000। दिस इज द टोटल ऑफ योर एसेट। जैसे ही एसेट्स आते हैं इसमें से माइनस करना है आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज आपके बैलेंस शीट में अवेलेबल है, मैंने डिस्कशन के वक्त ही बोला था ओनली सन्ड्री क्रेडिटर एंड टैक्स प्रोविजन। यहाँ पे लिखा मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट इज 1,28,000 माइनस करेंगे, और इसमें से आगे की चीज माइनस करनी है आप लोगों को लास्ट लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स प्रोविजन का अमाउंट इज 60,000 फ्रॉम द बैलेंस शीट। इनके रिवाइज फिगर्स आर नॉट गिवन एनीवेयर इन द क्वेश्चन। तो सेम वैल्यूज मैंने माइनस किए, माइनस करने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे कंपनी के पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड विद माय कंपनी इज 3,72,000 इन दिस केस। चेक कर लो कैलकुलेशन, 372 जैसे ही आता है ये 372 को लेके गया मैं यहाँ पे, ठीक है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें ऐड किया गुडविल तब जाके मिला 5,52,000, एक मिनट 5,32,000 का नेट एसेट। 5,32,000 का नेट एसेट आते ही मैंने नेट एसेट की जगह पे लिखा 5,32,000, और 5,32,000 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 2,000 शेयर से मुझे आंसर मिल जाएगा ₹266 पर शेयर। ये मेरे शेयर का वैल्यू आया बाई यूजिंग इंट्रिंसिक। समझा स्टेप बाय स्टेप कैसे गए, पहले फॉर्मूला लिखा जो अमाउंट अवेलेबल था वो लिखा, फिर नेट एसेट कंप्यूट किया। नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सब कुछ जो अवेलेबल था लिखा, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं था, तो मैंने कंप्यूट करके दिखाया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड देन मैंने सॉल्व किया मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर का प्राइस। देन इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, और एक वैल्यूएशन किया जाता है आपके क्वेश्चन में भी बोला है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ठीक है, यील्ड वैल्यू से भी कैलकुलेट करो। चलो लेट मी गिव हेडिंग पॉइंट नंबर 2, लेट्स सॉल्व सेम सब बाय यूजिंग यील्ड वैल्यू मेथड।
यील्ड वैल्यू में आप लोगों का वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होता था, फॉर्मूले दिमाग में छप जाने चाहिए। ईयर वैल्यू ऑफ शेयर और पर शेयर वैल्यू भी बोला जा सकता है इज इक्वल टू एआरआर, जिसे डिवाइड करेंगे हम लोग एनआरआर से और मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से। इस सर फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे पेड अप वैल्यू होना चाहिए, एक शेयर का फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया। चेक करते इसमें क्या क्या अवेलेबल है। एआरआर कब भी अवेलेबल नहीं होगा। एनआरआर क्वेश्चन में दिया है 10% बोले का। फेस वैल्यू भी क्वेश्चन में अवेलेबल है, बैलेंस शीट चेक करो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 100 रुपीज, वो लिख दिया 100। अभी सिर्फ मुझे कैलकुलेट करना है मेरा एआरआर। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग सेपरेट वर्किंग। स्टामक किया, लिख दिया हेडिंग एआरआर। एआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट्स, आगे एवरेज प्रॉफिट। But we should calculate average profit for equity shareholder. और इस average profit को आपको divide करना है paid up equity share capital. So paid up equity share capital. Check करते हैं दोनों में से क्या है, percentage में answer चाहिए तो 100 से multiply करो। Average profit is not available, but paid up equity share capital is available with us, which is amounted to rupees 2 lakhs. Denominator में लिख दिया मैंने 2 lakhs rupees, fully paid up share capital. बस एक चीज मिसिंग है, average profit। बच्चों यही इस कहानी की दिक्कत है कि एक एक चीज ढूंढने के लिए टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। लेट्स कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एवरेज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट एज पर गुडविल। याद है ना, वेटेड एवरेज गुडविल में कैसे कैलकुलेट करते हो, वो प्रॉफिट हमें पहले फाइंड आउट करना है एडजस्टमेंट करके। इसमें से माइनस करना है आप लोगों को ट्रांसफर टू रिजर्व। सर ये कहाँ से मिला? सर क्वेश्चन में देखो मिलेगा, लास्ट में ट्रांसफर टू रिजर्व बोला है 25% मिला एट द रेट ऑफ 25%। लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। प्रेफरेंस शेयर होता तो ये मिलता था। इसमें आगे कुछ भी करना नहीं है, फाइनली आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एवरेज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कंप्लीट करने के लिए पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं स्टामा, हेडिंग लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो। अपने पास टोटल 3 इयर्स के प्रॉफिट्स अवेलेबल है, तो मैंने ईयर लिखा 2016, 2017, 2018, राइट। जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, क्योंकि लास्ट में डेप्रिसिएशन का जो लाइन है वो इंडिकेट करता है कि डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना बाकी है, बिकॉज वैल्यू ऑफ एसेट इज गेटिंग चेंज। बराबर, अभी यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए पहली चीज चाहिए प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन आर 80, 90, and 1 lakh 6,000, इसमें से एडजस्टमेंट करेंगे। पहली चीज, फ्यूचर में आप लोगों को एक लॉस होने वाला है, एंड दैट लॉस इज योर बैड डेट। सर तुझे कैसे पता चला बैड डेट? देखो क्वेश्चन में बोला है कि आपके एक्सपर्ट ने बोला कि डेटर जितना भी है उसमें से 8,000 बैड हो जाएगा। अभी बच्चे टेंशन में आते हैं, सर कौन से ईयर में से? लेटेस्ट ईयर। When year is not mentioned in the adjustment, you should give effect in the latest year. Latest year is 2018. 2018 में bad dates minus करेंगे। फिर आगे जाके minus करना है हमें depreciation on additional value of land and building। Sir, depreciation on additional value of land and building का मतलब क्या? Question देख लो। आपके question में यहाँ पे आपका land and building का value 1,30,000 से बढ़ रहा है, बराबर? इस 1,30,000 के ऊपर एडिशनली आप लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा 10%। 10% मतलब हो गया आप लोगों का 13,000। सर नहीं समझा। आपने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा प्रॉफिट निकालने से पहले, बराबर? वो कौन से अमाउंट पे माइनस किया रहेगा? 110। तो अभी का वैल्यू कितना है? 240। वैल्यू बढ़ा, डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो आप लोगों का लॉस होगा, और लॉस होगा इसीलिए आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ
10% ऑन 1,30,000, तो आपका डेप्रिसिएशन 13,000 रुपया माइनस होगा। सर हर एक जगह से क्यों माइनस कर रहा है? अरे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है ना, इसीलिए हर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को वो अफेक्ट करेगा। इसके बाद लिख देता हूं मैं एड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर एड क्यों लिखा? आधे बच्चे के दिमाग में गया रहेगा क्या चल रहा है। पहले का डेप्रिसिएशन 130 पे चार्ज किया था, ये देख लो 130, नया डेप्रिसिएशन 120 पे होगा, मतलब डेप्रिसिएशन आपका सेव हो रहा है। यू आर सेविंग योर डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा एड। सर कितने पे कितना परसेंट? 15% ऑन 1,50,000 और 15,000 और 10,000, डिफरेंस कितना है? 10,000, तो 10,000 का 15% is 1,500 only। जैसे ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो समझ रहा है? सर एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80,000 प्लस डैश, और ये 80,000 माइनस डैश, माइनस 13,000 प्लस 1,500 करो, आपका आंसर आएगा 68,500। 90,000 माइनस डैश, माइनस 13,000 प्लस 1,500, यू विल बी गेटिंग 78,500। 1,06,000 माइनस 8,000 माइनस 13,000 प्लस 1,500, आपको मिल जाएगा 86,500। वंस एडजस्टेड प्रॉफिट्स आर अवेलेबल, आप लोग वेट्स असाइन कर सकते हो। Oldest profit will carry lower weight and latest profit will carry highest weight. तो यहाँ पे weights आ गए, इनको multiply करने के बाद आपको मिल जाएगा total profit. So this is 68,500 only. This will become 1,57,000. ये हो जाएगा 259,500 और आपका total profit हो जाएगा 4,85,000 only. तो समझ रहे हैं पक्का? And therefore weighted average profit is equal to 4,85,000 divided by 6. Your profit is amounted to 80,833 only. Recurring figure आएगा, ठीक है? Round off करके ले लिया मैंने 30,833 आपका average profit है। ये average profit लिखा मैंने यहाँ पे 80,833 into 25% is 20,208, ऊपर का 25 पैसा छोड़ दो, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। 80,833 माइनस 20,208 इज इक्वल टू 60,625, मिल गया एवरेज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखो कैसे एक एक चीज मिलने के बाद आपका सम आगे जाएगा। 60,625 देखे जाते इस फॉर्मूला में, 60,625 डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू 100 is equal to 30.3125 exact percent kitna aa jayega aapka, that's arr mila, arr leke chalo 30.3125 divide by 10 multiply by 100, aapke share ka value yield ke hisab se ho jayega rupees 303.125 only। aa gaya second method ka answer। बच्चों ग्रेजुअली सम सॉल्व करना जरूरी है, हर एक कैलकुलेशन पे एक एमसीक्यू कैन बी फ्रेम इन योर एग्जामिनेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोनों मेथड से सम सॉल्व हो गया, अभी आएगा आपका तीसरा मेथड फेयर वैल्यू। सर ये कैसे कैलकुलेट करने का? बहुत ही सिंपल चीज, फेयर वैल्यू से अगर आपको वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है तो वैल्यू ऑफ शेयर अंडर दिस मेथड इज इक्वल टू value of share as well as per intrinsic value, value of share as per your second method yield value। इन दोनों का जब आप लोग एवरेज लेते हो तभी आप लोगों का आंसर आ जाता है फेयर वैल्यू का। तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए IV का आंसर था अपना 266, YV का आंसर था 303.125, एंड अगर इसका सिंपल एवरेज लेते हो तो आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, आपके शेयर का वैल्यू हो जाएगा 284.5625 पैसा ओनली। फेयर वैल्यू इज द इजीएस्ट मेथड, यहाँ पे दोनों आंसर ऐड करके आपको डिवाइड करना है। गाइस आई हैव सॉल्वड ऑल द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ शेयर्स एंड गुडविल।
please revise this chapter thoroughly before your examination, as this chapter is getting highest importance in CS executive exam. आशा करता हूँ आपको सारे कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.